चलन किस तरह से व्यवहार करें लेने देने का। तो फकीर साहब बोले कि जो तुम पैदा करते हो उसी से अपना चलन खोल दो, चना है, मटर है, गेहूँ है, दाल है, जो कुछ भी है, जो बरसात में हो, जो जाड़े में जो फसल होती है उससे अपना व्यवहार करो। तो करने लगे तो बादशाह ने सोचा कि रियायत तो बड़े आराम से रहती है। तो फकीर साहब ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका इलाज किए देता हूँ, वो तुम्हारा खजाने से धन वापस कर देगा जो उसने लिया है। एक वक्त वो सो रहा था अपने महल में, तो एक तो वो स्वप्न हुआ कि उठकर खड़ा तो हो जाओ उठ करके, तो देख रहा स्वप्न, जब वो उठ के बैठा और आँख खुली तो देखा एक काला आदमी, एक काला बिल्कुल एकदम से काला, तो डर गया, ऐसे कांपने लगा उसको देख करके। तो उसमें से आवाज आई कि तूने रया को बहुत तंग किया और रया परेशान होती है और हमारे पास आकर के चिल्लाती है, तो एकदम से काम कर रही, अब उसको तकलीफ नहीं होगी। जब गायब हो गया, वो गायब हो गए, गायब हो गए, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, कहा कि देखो भाई जितना भी धन तुमने इकट्ठा किया है सब प्रजा में बांट दो, प्रजा को दे दो ताकि चलन हो उसका। हमारी तो मौत हो गई, हम तो मौत के घाट पर पहुंच गए, तो हमारा क्या रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, क्या प्रजा रहेगी, क्या धन रहेगा। उसको जागृति आ गई, इतना कांपने लगा और काम करके डर करके अधिकारियों को बुला करके हुक्म दे दिया, बट गया था प्रजा जो है सबकी सब अपनी सुखी हो गई, क्योंकि एक एक पैसा खींच लिया उसने। तो फिर उसके बाद में महल में सो रहा था तो उसको आवाज आई, करे बेवकूफ तूने अभी तुमने जाना कि मैं मरने जा रहा हूँ और ये मेरा क्या होगा, तो तू क्यों नहीं इसको सोचता। आवाज आई, उठ के बैठ गया तो देखा आवाज कहाँ से आ रही, तो किसी को देखा नहीं, बैठा हुआ और इधर उधर सुन रहा। फिर आवाज आई, अरे बेकूफ क्या तू बादशाह है, किस बात का, अरे भाई इसलिए आया उस बादशाह पर चल, ये जिस मिला फिर मिलेगा नहीं, ये जा रहा। तो सोचा उसने कि अरे कहाँ से आवाज आ रही, अब उसको ये लगन लगी कि ये किससे सुनने को मिलेगा। तो मौलवी के पास गया, मुल्लाओं के पास गया, उस समय के मुल्ला मौलवी, उनसे पूछा कि भाई हम तो ये जानते नहीं, कहने लगे फकीर साहब कभी कभी आया करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर, कभी कभी, अगर वो कभी तो आप उनकी तलाश कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो उसने उनको बहुत खोजा, लेकिन बहुत दिन हो गए, 6 महीने निकल गए, मिले ही नहीं। 6 महीने के बाद उनको मिले तो बहुत हंसे, कह लगे अरे अरे बेकू तू बहुत दिन के बाद आया, अभी तक कहाँ रहा। अब उन्होंने वो बात याद दिलाई कि हमने तो तुझको आवाज दी थी और तू खोज रहा था, तुझने जब कहाँ खोजता रहा। कह रहे अरे हम फकीरों को पहचानते, यही तो है थी। अब वो क्या करते हैं फकीर लोग, इस तरह से बदल देते हैं। अब ये जो है ये तो कोई चिल्लाता नहीं है, ये तो उसी में लगे हुए हैं अपनी ग्रंथि व मंत्र में, और उससे कुछ निकलने वाला है नहीं है। ये नहीं कि वही फकीर किसी महात्मा की खोज करें जो आपको अपने को सीधा रास्ता मिले, वो नहीं, इसमें फंसे हुए थे, जो खोजते रहते और फंसते चले जाते, तो सब के सब रो रहे, कोई भी किसी जगह चैन से नहीं है, और ये बिना महात्माओं के चैन मिलेगा नहीं। वो जब मिलेंगे फकीर महात्मा तभी कुछ होगा, ऐसे
एक बात आपको ये समझा दे कि जो भी बाहर से दुकानें ले आते लगाते उनको सड़क पे लगाना चाहिए। अब जहाँ डेरा है वहाँ आप डेरे के अंदर लगाओगे, जहाँ गली है चलने फिरने का रास्ता नहीं वहाँ लगाया तो आने जाने का रास्ता बंद, और फिर वहाँ दुकान लगाने का अर्थ क्या है? वो तो रहने की जगह है, जो वहां रहने की जगह वहां दुकान के जरूरत सड़क पर लगाइए। जैसे हमारे अंदर आश्रम में बहुत लोगों ने अंदर दुकान लगा ली, तो वहां दुकान लगाने की जगह कहाँ? वहां सामान चला गया तो ये दुकानदारों से पूछो कि आपने ले लिया? आपको तो दुकान सड़क पर लगाना, सड़क पर लगाइए, वहां घर के अंदर दुकान लगाई जाएगी। ये मतलब ये अनसमझ का काम धांधली का, और पीछे कुछ कह देते हो ऐसा कुछ कहते हो। इसलिए कोई भी हो, माला बेचे, प्रसाद बेचे, सामान बेचे, और कुछ बेचे, और भी कुछ है कपड़े, सब दुकान पे लगाओ, और दुकान सड़क के किनारे आप वहां लगाइए। अंदर क्या, घर के अंदर दुकान खोल दोगे? जहां लोग रहते हैं टेंटों में उनका, उसके अंदर खोलोगे जाकर के? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि दुकान कहाँ लगती, सड़क पर लगती। सड़क पर आमर दर सबकी होती है, जिसको जो सामान लेना होगा सड़क पर ले लेगा, घर के अंदर तो दुकान रहती नहीं, अब वो कुछ नहीं है। तो इसलिए चोरी वगैरह होती है, इसी वजह से होती है, और कोई कारण नहीं होता। तो इसलिए दुकान लगाओ सड़क पर, अंदर नहीं। इनसे कह दो अगर दुकान नहीं उठाओगे सब सामान तुम्हारा रख लेंगे, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब ये सामान ले जाना, बस इतना ही कहना है। जब न माने तो सामान उठा के तब डालो, तो ये रखा रहेगा, अब आप जाइए सब, और उसके बाद सामान आपको मिल जाएगा। ये दुकान अंदर नहीं लगाना, सड़क पर लगाओ। आप किसी चीज को भी नहीं समझना चाहते हो और न करना चाहते हो तो खुद अपनी व्यवस्था बिगाड़ोगे। बोलो जय गुरुदेव। जब यहाँ अंधेरे में आया करो तो आते ही बस जैसे ही बैठे भजन करने लगे, आपको खाली ऐसे नहीं बैठना। आप अपने भजन ध्यान पर बैठ जाइए तो जितना समय आपका उतना तो आपको मिल गया समय, उसमें भजन और ध्यान कर लीजिए। जब तक आए फिर सत्संग सुनने लगे, सब काम अपने एक साथ, अब बैठे हुए बात कर रहे, बात करने से क्या मतलब? स्थान में आए हो सत्संग के तो आप भजन ध्यान पे बैठ जाओ, कोई सुमरन पे बैठ जाए अपना यहाँ पूरा कर ले आकर। आप घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे आप बैठे रहते हो और उसमें कुछ नहीं करते हो, समय तो खराब हो गया। किस लिए बैठे हो? समय काम में लो तो भजन ध्यान करो, जो वह नहीं कर सकते यहाँ करो। आप कुछ नहीं, हम देखते हैं आकर के बस ऐसे ही बैठे हुए और कुछ नहीं है। अरे भाई जब आएंगे कि तो भजन ध्यान कमरे में बैठे हो तो जो आएगा बैठता चला जाएगा कि भाई ये कर रहा है चलो हम भी करेंगे। ये होना चाहिए, जहाँ कहीं भी दफ्तर में जाओ अस्थान पहले से पहुंच गए तो भजन बैठ जाओ, सुमरन में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। किसी को क्या मालूम ऐसे बैठ गए आप अपनी आँख बंद कर ली तो क्या कर रहे हैं, किसी को क्या मालूम, चुपचाप बैठे रहो, वो जब देखेगा तो बैठ के बैठ जाएगा। ये काम करना चाहिए, जब पहले से आकर के जगह घेर ली है तो जगह घेरने का मतलब है तुमको भजन करना। ऐसे बैठ गया करके और कुछ नहीं, समय खराब कर दिया। बोलो प्रार्थना बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ओ जीरी पिया
को निज घट में को खोजिरी पिया को निज घट में को जो तुम पिया से मिलना चाहो जो तो भटको माति जग में खोजिरी पिया को निज घट में खो खोजिरी पिया को निज घट में खो जब तक संत मिले नहीं पूरे जब परे रहोगे अग में खोजिरी पिया को निज घट में खो नाम सुधारस कभी न पाओ नाम बटको योनि खग में खोजिरी पिया को निज घट में को पंडित काजी बेक से कसवोपन अटकी रहे डग डग में खोजिरी पिया को निज घट में खो इनके यह तो भूले विषय बास में बर्मद से इनकी रग रग में बर खोजिरी पिया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना इनके पिया मेरे काऊ साद समग में खोजिरी वो तो कहे अलग में खोजिरी पिया को निज घट में जय करे घना घोरा बात जिसकी कोई उपमानी दी जा सकती है इतना सो रहे और चल रहे ये सब सुनाकर जितना भी उनको सुनाना था वो सब गोस्वामी जी को सुना दिया। कह लगे यार भाई तुम तो तुम्हारा तो काम हो गया अब घर में पहुंच गई हो सब मंजिले पार कर ली घर में पहुंच गई अब जिधर जा रही जाएगी तब भी सुनती जाएगी आएगी तब भी सुनती रहेगी रास्ता और वक़्त खुल गया तो चलते भी देखते रहो बैठे भी देखते रहो सोते में भी देखो आप कि वो तो फिर आँख बंद होने वाली नहीं है
हर वगत देखिए, वो कहते हैं 24 घंटे घना को आवाज घाट पर हो रही। बोलो करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर, कहते हैं कि तुझे दोनों की दोनों अपना सब समाचार बता करके और फिर अपने घर लौटी। घर आई जहाँ इनका ये शरीर रहता था वहाँ काशी के अंदर लौट आई। बोलो दिस दिन उठे गगन घन घोरा तामे अटक रहे मन मोरा। सही बात तो ये है कि जब अंदर में चढ़ चले जब वहाँ पहुँचे तो निस दिन गगन कहते गगन में घन घोर आवाजें कहते मन तो वहाँ अटक गया। हर वक्त मन वही लगा रहता है उसी आनंद, क्योंकि यहाँ तो आनंद खोज रहा था इंद्रियों के घाट पर तो यहाँ तो आनंद नहीं मिला, जब आनंद मिला तो फिर से हर क्षण वहीं पर बैठा हुआ अपने आनंद में और मन वहाँ अटक गया। अब वो अटक गया वहाँ रुक गया तो इधर का उपाएगा तो ये जगह सब फीका है आसार है इसमें कोई हिसाब नहीं। तब उसको याद आती है कि इतने मुद्दतों से जब से आए तब से यहाँ फंसे रह गए। सब योनियाँ दिखाई देती हैं, किसी को जीवन में मछली में गए, कच्छ में गए, मच्छ में गए, जानवर में गए, नरकों में गए, जितने जीव चौराती में जल के जीवों में थल के जीवों में सब पता चलता है कि हम इतने दिनों से किस किस योनि में गए। तब वो रोता और चिल्लाता कि इतने दिनों के बाद एक घर लौटने का ये समय बना और वो भी है कि कृपा और दया नहीं होती और नहीं मिलते वहाँ पर तो नहीं लौट सकते। तो मनु शरीर आया और दरवाजे पर आकर बैठ गए फिर लौट गए और दरवाजा छूट गया। जब मनुष्य मंदिर पर आकर बैठ गए तो दरवाजे के करीब हो, अगर यहाँ खोज लोगे दरवाजा ऊपर जाने का तो फिर चले जाओगे और दरवाजा नहीं मिला तो लौट जाओगे नीचे। मनु शरीर ये दरवाजा मिलेगा नहीं और मनु शरीर मिलेगा नहीं तो आपको मतलब ये है कि खानों में भटकना तो जी वहाँ चले जाए। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो अंदर तो हो ही रहा, अब तो हर वक्त चालू हो गया, जब जारी हो गया हर वक्त तो ये बना घर डोर पर ये बंद होने वाला नहीं है। अब वो सब कह करके और सब समझ करके और घर गए देविया घर लौट गए। बोलो कर्मा धर्मा रे पुण्य धोई उठ पहुंचे। अरे कर्मा धर्मा दोनों उनसे फौरन पहुंच गए, सवेरा होगा पहुंच गए और इन्होंने भी अपनी अर्जी की कि हमारा भी हे स्वामी हमारा भी कुछ सुन लीजिए। वो भी कुछ अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने जो सुना और जो ऊपर चढ़े वो भी सुनाना चाहते कि हे स्वामी हमारी भी कुछ प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो तीजे से कटकी उठी धाये तीनों भीर तुलसी पे आए। अब वो शेख तकी मियाँ थे मुसलमान, ये कुछ कौन मुसलमान थे इनको सब जानते थे, संपूर्ण काशी इनको जानती थी। क्यों ये थे क्या, ये मजिस्ट्रेट थे दरबार में न्याय करते थे कि शेख तकी मियाँ। तो ये इनके पास पहुंचे कैसे, जब ये डंडोरा पिटा काशी में को नाचते गए और नाचते गए, गंगा जमुना नहीं मानता इसको नहीं उसको नहीं, ईश्वर नहीं मानता और ही और बात कहता और ही और वर्णन करता है जो यहाँ नहीं उसको कहता, ये तो सब कहते थे चाहे वो कितने भी कुछ भी निंदा करे लेकिन और ही और कहता और जो हम नहीं देखते उसको कहता है तो हम कैसे मानेंगे कि वो अब तो समझेंगे नास्तिक है। तो ये बड़ा विवाद हुआ काशी में, विद्वान इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, यह तो ऐसा करो कि पहले उनको सुन लो वो कहते क्या है, ऐसे ठीक नहीं है जो वो कहते हैं पहले उनकी सुनो, अगर तुमको प्रश्न करना है तो उनसे करो और उनसे जवाब लो, जब आपकी समझ में ना आए तो आप कुछ कहो पहले मत कहो, यह ऐसा करो जो
शिष्य कोई उनके पास आता जाता हो तो उसको बुला लो कि भाई वो क्या बताते हैं क्या कहते हैं। तो एक पंडित खड़े हो गए, उन्होंने कहा एक उनका जो शिष्य है वो उनके पास आता जाता और हमारे मोहल्ले में रहता है, तो नाम क्या कर रहे हृदय, हृदय नाम है जात का ही है। तो कहा ठीक है उसको बुलवा लीजिए। तो लोग गए उसके पास, बुला के ले आए, उसको ले आए। तो पंडितों ने पूछा, उसका जवाब दे दिया, फिर पूछा, फिर जवाब दिया, उस पंडित ने पूछा, उसका जवाब दे दिया, उधर सबका जवाब दे देगा। तो कह ले हम नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो है, तो तुम उन्हीं किताबों में देखो तुम्हारी लिखा हुआ। हृदय ने कहा अपनी किताबों में देख लो, हम उसके बाद तो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले अपनी किताब में देखो उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा होगा। नहीं ये हम ही मानते हैं। अरे भाई तो किताबों को तो मानो, जिसको आप कहते हो ये किताब है, जिसको जिनसे पूजा करते हो पाठ करते हो उन किताबों को तो मानो। बोलिए तो जवाब दे दिया, शर्मिंदा हो गए। पहले तुम बड़ा मूर्ख है और तुम मतलब है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं कमा रहे। अब इस तरह से बात को टाल दिया, सत्य बात को ढकेल दिया और अपनी बात आगे रखी। और कह लगे कमा रही पढ़ा लिखा कुछ नहीं, इस तरह की बात करता तो झगड़ा होने लगा, तो मारपीट होने लगी। अब उनको बेचारे हृदय को मारने लगे, सब पंडित विद्वानों की बात बता दो, ये मारने लगे। तो फिर इधर से जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर, दरबार में जा रहे थे कचहरी में, तो बीच में भीड़ लगी है, तो घोड़े पर और सवार भी लोग थे साथ, तो घोड़े पर जा रहे थे तो लगाम इन्होंने, भाई इतना बड़ा विवाद हो रहा है तो ये क्या हो रहा, तो लगाम मोड़ दी उधर घोड़ा, तो इनको सब पहचानते थे कि भाई वो आगे बस बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों विवाद हो रहा। कह लगे ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता कमाल। उसको आगे कह दिया कि कतेब और कुरान ये नहीं मानता ये, और ये झूठ बखान करता। तब उन्होंने दूसरे ने कहा ये वेद कतेब और ये कुरान पुराण, और मतलब ये कि इनको नहीं मानता है, ये बड़ा कमार है। तो क्यों रहे तो मतलब ये, तो उन्होंने उस हृदय से प्रश्न किया तो उसका जवाब दिया तुरंत, फौरन जवाब दे दिया। तो शेख तकी जब उन्होंने अल्लाह की बात की खुदा की बात की तो जवान बंद हो गए, चुप हो गए। तो मतलब तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि तो न्याय करते हैं, झगड़ा इन्होंने देख लिया और ये न्याय वहाँ करेंगे, ये सजा देंगे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े न्याय करता थे, सजा फिर देते थे छोड़ते नहीं थे, बहुत ही वसूल के पक्के थे। काशी में अगर बात सागर जमाना था, न्याय करते तो उनका बड़ा मुश्किल हो गया। तो कह लगे इनका गुरु वहाँ रहता है इसका, और ये उससे चलिए पूछा जाए कि वेद कतेब और इनको और कुरान को कैसे नहीं मानता, क्यों इनकी बुराई करता है। तो सब ले गए, उनको भी ले गए, वो भी गए। वहाँ जा कर के घोड़ा रख दिया, घोड़ा तो रखवालों ने जो उनके साथ थे घोड़े वाले उनको, और उनको ले गए उनको कुटी के पास, और वहाँ जा कर के बात होने। तो इनको आगे ढकेल दिया कि आप ही पूछिए। तो कहते तो आप वेद नहीं मानते और कतेब नहीं और इबादत नहीं और ये नहीं, खुदा नहीं मानते और ये, और अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो गोस्वामी जी इन्होंने जो जवाब दिया तो तकी हुआ चुप हो गए, कोई फिर बात नहीं कर। फिर पंडित टूट पड़े, तो इनको भी जवाब मिल गया इनको कि उनके उन्हीं के सामने जवाब दिया, तो मतलब ये वो भी चुप हो गए, हार गए। तो बाकी जितने भी गए थे मूर्ख, तो बस उनकी मूछें फड़क रही थी, मैं फड़क रहा था कि वो मारने के लिए, लेकिन अब ये है कि वो पूजा पाछा और फिर वहाँ से चले आए। तो तकी मियाँ फिर गए, जब वो दरबार वबार कर लिया फिर उनके पास गए, तो उन्होंने खुदा के अल्लाह के बारे में उन्होंने समझाया, सुन करके फिर चले आए, फिर गए। फिर गए सुबह, फिर दरबार करने के बाद शाम को फिर गए। अब रोज उनका आना जाना उनके पास लग गया और उन्होंने सब सुनाया। अब वो तकी मियाँ अब और सवेरा जब हुआ तो इन्होंने सोचा कि पंडित ये कर्मा धर्मा अपनी बात कह देंगे हम रह जाएंगे। तो फट से कह रहे हजूर
मैं भी कुछ अपनी बात कह रहा हूँ, बोलो। बैठे भेदभाव सब चीना, तीनों बात अपनी। पहले तो इन्होंने दोनों ने बात की, जो अभ्यास किया जो देखा वो इन्होंने सब बताया, जैसा जैसा देखा वैसा इन्होंने बताया, उनसे बात की, बैठा लिया, बैठा की बात की। अब इनकी जब पूरी बात हुई तो उन्होंने कहा खुदावंद आप हमारी भी अर्जी सुन लीजिए, और भी कुछ कहना चाहते बोलो। कर्मा धर्मा भेद बतावा, निज निज निस दिन निर्वाण भेद हम पावा। अब कर्मा धर्मा ने दोनों ने कहा कि जो आपने बताया था मैंने अभ्यास किया, भजन और ध्यान किया, तो हमने निर्वाण पर साफ देखा, बताया उन्होंने कि उनका रूप क्या है, उन्होंने सब बताया कि उनका नाम क्या है। वहाँ तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं जाता, वहाँ तो कुछ जो सुनेगा वही बताएगा वो तो वहाँ बहुत भेद है। तो जो सुना उन्होंने उनसे कहा कि हमने ये सुना और ये निर्वाण पथ हमने पाया और हमने साक्षात्कार ईश्वर का खुदा का उनका दर्शन किया, हमने साफ साफ बताया उन्होंने अपना अभ्यास पूरा पूरा, दोनों ने बताया, नीचे से बताया कि नीचे ये देखा, ऊपर बताया कि ऊपर ये देखा, वहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा। कह लगे जिसका जिक्र किताबों में आया हुआ है उसको तो मैंने अब देख लिया, उन्होंने बता दिया अपना अपना पे। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा निरखा फटक सिला के, वो कहते हैं कि निर्वाण के पार इन्हीं सहज दल कमल के पार, खुदा के रूप को देखने के पास, भगवान का साक्षात्कार निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप का किया, उसके पार एक दरवाजा है, दरवाजा। तो कहते हैं कि जब मैं उसके पार गया तो दरवाजा दिखाई दिया, और दरवाजा खुला तो फटक सिला है, उसके पार हमने देखा। क्या देखते हो बता रहे, बोलो। अब वो ऐसे चिन्ह है कि जो देखेगा वही बताएगा, क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे कि भाई तुमके आगे पीछे क्या है तो उसको सब बताना है, क्योंकि वो पीछे भी और आगे भी जो देखेगा, तो वहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं चलती, तो वो भी देखते हैं और वो भी देख रहा। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा निरखा फटक शिला के पार, कहते हैं कि भाई फटक शिला पर तो हम खड़े हुए लेकिन उस पार देखते हैं का दरवाजा है, वो दरवाजा है उसके पार में उधर जाने का। बोलो तावा देखा पुरुष न्यारा ताकि शोभा यज्ञमय पार, कहते हैं कि मैंने वहां जब देखा उस दरवाजे को तो वहां गुरु भी बैठे हुए, और जब वहां पहुंचा तो देखा उधर में जो रचना है वो अगम पसारा, जिसको कोई कह नहीं सकता इतना पसारा, इतनी रचना है। तो ये तो जब वहां अंजक से कहो कि देखो मथुरा ऐसा, दिल्ली ऐसा, कलकत्ता ऐसा है, जंगल ये देखो जंगल ऐसे, तो अंधा कहेगा हमको क्या मालूम, हमारे तो आँख ही नहीं है, तो वहां तो आँख है। तो इतना बड़ा पसारा कि मृतलोक का क्या हो तो एक कण भी नहीं है। कहते हैं सो हमने, वो कहते हैं वो जो पसारा हमने आंख से देखा, और ईश्वर को भी आंख से देखा, उसके पार दरवाजा और उसके पार हुआ तो फटक जिला भी देखा, उसमें खड़ा हुआ तो पार जो है वो हमने देखा। सब कहते हैं सारे सब बताते हैं ये हमने देखा, ये दोनों अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं, और जैन मत के हैं, क्योंकि जैन मत वैसे भी बहुत मरीज है, और जो किताब में लिखा हो तो उनको मालूम नहीं है, जो अच्छा है उसको पढ़ लेते हैं, तो अच्छा तो आपके ये भी पढ़ते हैं हिंदू, तो अच्छा पढ़ लेते हैं शास्त्रों के, और कुछ देखा तो है नहीं, तो क्या वर्णन करेंगे। अब वो देखते और कहते हैं कि हमने निर्वाण पद पाया, सहज दल कमल हमने देखा, उस पर जो बैठे हुए उनको हमने देखा, साफ साफ कह रहे हैं
और उसके पार उधर गया तो उधर में हमको खिड़की दिखाई थी और जब उसको खोला तो फटक जिला है और फटक जिला में खड़े होकर के हम देखते हैं कि दरवाजा है। और भी चीजें बीच में दिखाई देती हैं तो जो है जो उसको वो कह देता है, यानी सब लोग अपनी अपनी चीज कहेंगे उसमें वो भी चीज आ जाएगी, क्योंकि इतना मसाला है कहने का देर रात पुराते रहो खत्म नहीं होने वाला, इतनी चीजें वहाँ तो सीधा सीधा बताते हैं। उसी से पता चलता है कि इसमें क्या देखा और पूछ ले उसमें कैसे रूप है, वहाँ की सुरतों के कैसे रूप उसे बता देगा, वहाँ सुरतें कैसे बसती हैं उसे बताएगा वहाँ, और सुरतों का खेल गया सब एक बता देगा। बोलो का भेद निर्वाण पावे ये न सुदेखी नजर में। अब वो दोनों के दोनों कर्म धर्म कहते हैं उसका भेद जो हमने परे देखा उसका निर्वाण नहीं पा सकता, यानी ईश्वर उधर नहीं जा सकता तो उसने नहीं देखा। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो हिंदू मुसलमान सबके कर्ता धर्ता है, ये तो उत्पत्ति करते पालन करते पहले सबकी कर देते, तो ये देवता तो तीनों सबके एक ही, हर कौम के एक ही देवता वो है, तो ये तो यहाँ नहीं जा सकते और वो उधर नहीं जा सकते। निर्वाण सैदल कमल के धनी उधर नहीं जा सकते जो उधर होगा, कहते ये उसको नहीं पाएगा जो हमने, वो कहते हैं जो हमने उधर देखा उधर ये नहीं जा सकते, ये बयान कर रहे हैं जो उन्होंने देखा वो कि ये ईश्वर वहां नहीं पहुंच सकते वो हमने देखा। बोलो कर्मा धर्मा बोले बोली गुप्त राख प्रगट नहीं। देखो इन्हीं से सुनाया, इसको बाहर किसी से मत कह दीजिएगा नहीं तो मतलब बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी, ये गुप्त भेद है तो गुप्त ही रखो इनसे। अब ये तो सब जानते हैं कि तो लिए ही चल रहे हैं तो इनसे तो कहना ही है, ये यही तो हमारे सब कुछ है, अगर वहाँ किसी से कहा वो तो जानता नहीं तो तुम्हारी आफत हो जाएगी, इसलिए गुप्त भेद है इसको गुप्त ही संसार से रखना। अभी तो उन्होंने कहा कि मतलब है कि ये जब भी कभी भी इस तरह का प्रकोप आया भ्रष्टाचार का तो वही कहते हैं कि युक्त भय सदगुरु, सदगुरु तो जब ही लुप्त होते हैं जब जानने वाले और मानने वाले नहीं रहते तो फिर सदगुरु लुप्त हो गए और जानकार भी लुप्त हो गए। आप बगैर जानकार और बगैर महात्माओं के प्रमाण के किसी को समझ में आ नहीं सकता, तो जानने वाले आए तब तो आपको प्रमाण दे वो मिलते नहीं कहीं, इसलिए बोलो दो मिल बाकी तुलसी समझ जीन गए। अब वो स्वामी जी महाराज ने सब ध्यान से सुना और बैठान के सुना अच्छी तरह से सुन लिया और वो समझ गए, किसी ने आगे कहा किसी ने पीछे इधर का उधर का सब, कहते हमने अपनी आंख से लखा आंख से देखा और आंख इधर ही है, ये आंख देखेगी और लौट करके आएगी तो यही बैठ के यहाँ ये यही बैठ जाएगी आकर और ये इधर देखती है तो यही बताएगी कि हमने देखा अपनी दिव्य आंख से ज्ञान चलते। अब वो सबके अंदर आंख है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे चूड़ा चमार हो चाहे कोई भी किसी जात का हो, ये आंख तो सब में, तीसरी आंख सब में और दो आंखें, अब तुम्हारी एक आंख ना रहे तो एक आंख का काटा हो गया बस इतनी बात है, और दोनों आंख नहीं रही तो अंधा हो गया, तो आप अंदर से भी अंधे और बाहर से भी अंधे हो।